का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल लिविंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस आज हम देखेंगे एयर साइन वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है, उनका कैसा रहेगा अप्रैल का मंथ लिब्रा एक्यूरियस और जेमिनाई के लिए, तो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपति आय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साई नाथाय नमः। चलिए देख लेते हैं लिब्रा एक्वेरियस और जेमिनाई आपके लिए अप्रैल मंथ कैसा जाने वाला है। मैं छोटी ही रीडिंग करूंगी, लंबी रीडिंग नहीं करूंगी, उसी में सब पूरे मंथ का सार आपको बता दूंगी। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ इम्प्रेशन, इमोशन, थ्री ऑफ इमोशन। ओके गाइज, अभी तक जो आपने प्रॉब्लम्स झेली हैं, बर्दाश्त की हैं, फाइनेंशियली देखा जाए, अगर फाइनेंशियली भी देखे या फिर फिजिकली बीमार काफी रहे हैं आप, वो अब धीरे धीरे आपका इस मंथ से ठीक होना चालू हो जाएगा। फाइनेंशियली अगर देखें, जो भी अभी तक आपको प्रॉब्लम हुई थी, फाइनेंस में लॉस आ रहा था, हुआ था, या जैसा चाह रहे थे, या जितनी मेहनत कर रहे थे, जितना हार्ड वर्क कर रहे थे, उतनी इनकम आपको नहीं मिल रही थी, उतना आपको इनकम नहीं आ रही थी, तो अप्रैल मंथ से ये सब कुछ चेंज होने वाला है। हाँ, इमोशनली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा गाइज, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत क्लियर दिख रहा है। एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट है या शादी भी दिख रही है लोगों की, क्योंकि लव काफी दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो सोच समझ के अच्छे से इंक्वायरी करके, किसी की बातों में आके शादी नहीं पक्की करनी है, आप अपनी साइड से सामने वाले पर्सन की इंक्वायरी करवाइए उसके बाद ही। क्योंकि अगर कोई बोल रहा है, आपको नहीं पता है कि सामने वाला किस उसमें है ना, हो सकता है वो बीच में कुछ अपना फायदा ढूंढ रहा हो, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल समय आ चुका है लव लाइफ में, यह सारा है आपका। जो सिंगल है उनके लिए पार्टनर बिल्कुल आ रहे हैं, जिनके पार्टनर दूर थे उनके पास आ रहे हैं अप्रैल मंथ में, और जिनकी बातचीत काफी टाइम से बंद थी, रीयूनियन बोल सकते हैं होने वाला है आपका। बहुत लोगों के चाइल्डहुड जो फ्रेंड हैं वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो गाइस बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जो बीत गया उसे भूल जाइए और जो आगे है उसे देखिए और आगे बढ़िए। तो अगर फाइनेंशियली देखें तो स्ट्रांग होने जा रहा है, एंगेजमेंट है, पार्टी है, गेट टुगेदर है, शादी ब्याह है, और सबसे बड़ी चीज जो आप फाइनेंशियली, मेरे को ऐसा लगता है आप लोग बहुत ज्यादा लोड ले रहे थे, वहां उसमें स्ट्रांग होने जा रहे हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इतनी मेहनत भी आपको नहीं, यानी यहाँ पे ये होगा थोड़ी मेहनत में ज्यादा आपको मिलने वाला है, क्योंकि काफी टाइम से आप बहुत मेहनत कर रहे थे, थोड़ा मिल रहा था, तो यहाँ अब ये उल्टा होने जा रहा है। तो लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, और अगर आप करियर वाइज भी देखें तो बहुत अच्छा आपका अप्रैल मंथ जाने वाला है। एयर साइन लिब्रा एक्वेरियस और जेमिनाई, ये आपके पूरे मंथ की रीडिंग का सार मैंने बता दिया है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और बेल बटन गाइस जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।